समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता। हालेलुया। देखूंगा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। Praise the Lord। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है नया है दे दिया। अमीन। हालेलुया। मौत से बचा। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हालेलुया। यीशु का नाम रहे ऊंचा। सचमुच में उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की महिमा करें। उसने बड़े सुंदर दिन में हमें प्रवेश कराया है और ये सुंदर सुंदर दिन परमेश्वर ने हमें दिया है। सारे भाई बहन आनंदित हो जाएं, प्रभु की महिमा करें, आनंद से भर जाएं, क्योंकि हम हाथ उठा के गाएंगे। उसकी करुणा भलाई सदा हम पर बनी रहेगी। हम आनंदित हैं उस समय के लिए। हालेलुया। जब भजन संहिता 23 में हम पढ़ते हैं, क्या ही वो भली अच्छी बात है कि परमेश्वर हमें उन चराइयों में चराता है। हालेलुया। उन जगहों पर लेके जाते हैं जहां पर परमेश्वर अपनी अपने प्यार को हमें दिखाता है। हालेलुया। वो हमें जीवन में लेके चलता है। हालेलुया। रब शकत रब। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू। हालेलुया। ग्लोरी टू। भजन संहिता 91 से हमें याब मिलता है। हालेलुया। आज की सुबह में परमेश्वर ने एक आनंद के भरा हुआ दिन दिया है। यदि आप आनंदित हो तो प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। यदि आप आनंदित हाथों को उठा के उसका धन्यवाद करें क्योंकि उसने हमें मरने नहीं दिया। हालेलुया। उसने भजन संहिता 51 को हमारे जीवन में उड़ेला है। उसने भजन संहिता 23 को हमारे जीवन में उड़ेला है। भजन संहिता 91 ये हमारे जीवन में एक नींव का पत्थर बन गए। हालेलुया। क्यों ना हम उसका जयकार करें। करुणा भलाई उसकी सदा हम पर बनी रहेगी। आमीन में रिसीव करें और प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करेंगे मेरे भाइयों और बहनों। दीनता और बलता के साथ प्रभु के करीब आ जाएं और अपने मुंह को खोलना आरंभ करें। हालेलुया। धन्यवाद करिए कि प्रभु मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु। हाँ प्रभु तेरे लिए चलूंगा खुदा। हाँ प्रभु तेरे लिए अपने हाथों को उठा के मैं लहराऊंगा प्रभु। तेरे लिए अपने हाथों को उठा के प्रभु मैं सरेंडर कर दूंगा प्रभु। पिता परमेश्वर तेरी महिमा को मैं देखना चाहता हूँ। मैं अपनी आंखों को तेरी ओर उठाऊंगा प्रभु। पिता परमेश्वर तेरी दया मुझ पर बनी रहेगी। मेरे ऊपर तेरी करुणा बनी रहेगी। मेरे परिवार पर बनी रहेगी। मेरे घर पर बनी रहेगी। मेरे कामों पर बनी रहेगी। मांगिए प्रभु से धन्यवाद करना आरंभ करें। हालेलुया। हर एक व्यक्ति जिसके जीव में प्राण है वो धन्यवाद करें। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, दाऊद इस बात को लिखता है, भजन संहिता 30 में लिखता है कि परमेश्वर जब ये देह मिट्टी में मिल जाएगी, मेरे लहू से कोई काम नहीं हो सकता, मेरे देह से कोई काम नहीं हो सकता। आज ही हम जीवित है मेरे प्रिय बहनों भाइयों। हम अपने जिंदा परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। क्यों ना हम उसके जयकार करें। हालेलुया। क्यों ना हम उसके समीप आ जाए। हालेलुया। उसके आंगनों में आए। हालेलुया। रिबा सिखे तेरे लिए भी रख अंदर लब जिखा लब। हालेलुया। हालेलुया। ओ करुणा भलाई उसकी। हालेलुया। जीवन भर बनी रहेगी। प्रभु का दास भी कहता है, मैं उसके धाम में सर्वदा वास करूंगा। हमें विश्वास होना चाहिए। हमें अपने विश्वास को बढ़ाते चले जाना है। हमें परमेश्वर में चलते जाना है। उसके हाथों को पकड़े रहना है। हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर, और इस बात का निश्चयता करनी, प्रभु हम तेरे धाम में वास करेंगे, क्योंकि उस धाम को बनाने के लिए आप गए हुए हैं। आप हमें लेने आ रहे हैं प्रभु। आप हमारे लेने आ रहे हैं। हम तैयारी में पिता परमेश्वर, क्योंकि हम हमारे लिए मकान बना रहे हैं प्रभु। हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भाई बहन जुड़ गए हैं प्रभु, उनके चारों तरफ मैं आपके पवित्र लहू का बाड़ा बांधता हूँ। आपके पवित्र लहू की जयकार करता हूँ प्रभु। और परमेश्वर, जैसे यरीहो की दीवार गिरा दी गई तेरे लोगों के घूमने से प्रभु, तेरे लोगों की आराधना करने से प्रभु, तेरे लोग जो याजक आगे थे प्रभु, उससे भी आगे वर्शिप पर थे पिता परमेश्वर, और उससे पीछे जो लोग थे, भीड़ थी पिता परमेश्वर, वो सारे लोग विश्वासी थे प्रभु। एक ही मन से वो चल रहे थे, एक ही चित को लेकर के चल रहे थे, एक ही विजन उनका था खुदा, और एक ही दिशा में वो दौड़ रहे थे प्रभु। पिता परमेश्वर ने जब ललकार से पुकारा खुदा, और उस नींव को गिरा दिया प्रभु आपने। आज मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के चारों तरफ की वो दीवारें गिर जाए जो डेवल खड़ी करता है, मगर परमेश्वर आपका बाड़ा लगे। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम में बाड़े लगे इनके जीवन में, और परमेश्वर पिता आज वो कंफर्ट, वो शांति, वो धीरज इनके जीवन में पहुंचे परमेश्वर पिता। और खुदा इनके हृदय उदार हो जाए। हालेलुया। हर एक का हृदय उदारता से भर जाए। वो दयालुता जो आपके अंदर है प्रभु, वो दयालुता जो आप हमारे अंदर देखना चाहते हैं, वो दयालुता परमेश्वर पिता जो हमारे अंदर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं प्रभु, उससे भर जाए। लबला भर जाए प्रभु, इनके इनके हृदय भर जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। ये आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में, ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में, इनकी रूहें सामर्थ्य से भर जाए, इनकी रूहें चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में, इनकी रूह आत्मा में परमेश्वर पिता प्रभु ताजगी से भरिए, तरोताजा हो जाए यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। मैं हर एक नाम के लिए दुआ करता हूं जो नाम इस समय स्क्रीन पर चल रहे हैं प्रभु,
जो नामों को मैं देख पा रहा हूं प्रभु, जो नामों को मैं इस समय फील कर पा रहा हूं प्रभु, जो आत्मा से भरे हुए हैं इस समय गुनगुना रहे हैं प्रभु, इस समय गुनगुना रहे हैं प्रभु, तेरा नाम रहेगा ऊंचा, हालेलुया। ओ तेरे नाम को ऊंचा करने में लगे हुए हैं प्रभु, ओ वो अपनी अपने तेरे नाम को ऊंचा करने में जुट गए हैं प्रभु, लगन से लगे, दिल और जान लगा दिया प्रभु जी, ओ परमेश्वर पिता जोर लगा दिया, पूरा जोर लगा दिया प्रभु जी, पूरी तक जी जान से लगे पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस करिए, उनके हाथों को थामिए परमेश्वर पिता, आपका अभिषेक के जीवन में आए प्रभु, और तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में भरपूरी के साथ आती रहे, एक एक जन कोई भी खाली न रहे प्रभु, हर एक जन का आत्मा इस समय आनंदित हो जाए, हर एक जन का जो स्पिरिट है वो खाली हो जाए प्रभु जी, जो बोझ इनके दिलों में बना हुआ है, जो बोझ इनके सोने में, सोते समय जब बोझ रहता है, उठते समय पता लगता है कि बोझ दबा हुआ है, घुटन हो रही है, ओ परमेश्वर उस सारा बोझ क्रूस पर चला जाए, अभी आजाद कर पिता परमेश्वर, इनके हृदय आनंद से भर जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, पिता परमेश्वर आपकी महिमा इनके जीवन में होती रहे प्रभु, आप करुणा से प्रसन्न होते हैं, और पिता परमेश्वर तेरी महिमा इनके जीवन में होने पाए पिता, दया कर, अनुग्रह दे प्रभु, और आशीष दे ताकि तेरे नाम की महिमा कर सके, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को हम मांग लेते हैं, आमीन 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 आमीन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया, प्रभु की महिमा करें, खुदा में आनंदित हो जाइए, हालेलुया, भजन संहिता 91 आपकी जिंदगी में पूरी होने जा रही है, मैं देख पा रहा हूं, खुदा ने मुझे दिखाया इस बात को कि वो बाड़े जो परमेश्वर ने बांधे हैं वो और मजबूत होने वाले हैं, और जो जो एक बहेलिए का जाल है वो टूटने जा रहा है, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगियों से, आपकी जिंदगियों से हर बाधाएं हटने जा रही हैं, वो खुदा ने आपके फोकस को चाहता है कि उस फोकस को वहां पर रखे जहां परमेश्वर आपको देखना चाहता है, हालेलुया, एक क्षेत्र आपके लिए बनाया, एक रास्ता आपके लिए बनाया, एक जगह परमेश्वर ने आपके लिए चुन लिया है, एक एक निवास स्थान परमेश्वर ने आपके लिए चुन लिया है, और वो आपको उसी जगह पर देखना चाहता है, और आप आनंदित हो जाइए, अपने आप को उसके समीप लाइए कि परमेश्वर मैं, हाँ प्रभु मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, मैं तेरी महिमा करना चाहता हूं, मैं बनना चाहता हूं प्रभु उस भवन का अधिकारी जो तू मेरे लिए बना रहा है, मैं उस घर का अधिकारी बनने चाह रहा हूं जो तुम मेरे लिए बनाने का वादा करके गया, क्योंकि तू वादे का परमेश्वर प्रभु, तूने कहा था जाते समय चेलों से, उसे मैंने भी पढ़ा है, उसे आपने भी पढ़ा है, हम इस बात का भरोसा करें, प्रभु ने कहा देखो मैं पिता के पास जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, हालेलुया, प्रभु से कहे प्रभु हाँ मैं विश्वास करता हूं मेरे लिए जगह तैयार हो रही है, मेरे लिए स्वर्ग तैयार हो रहा है, मेरे लिए भवन तैयार हो रहा है, वो महिमा का महल तैयार हो रहा है जिसमें मैं जाने वाला हूं, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, रब शतर रब, तैयारी करिए, हालेलुया, ओ महिमा का महल तैयार हो रहा है, क्या बात है, कितनी गजब बात है ना, कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक ऐसी बिल्डिंग बना रहा है, वहां पर काम कर रहे हैं स्वर्गदूत, वहां पर आपके लिए घर बन रहा है, हालेलुया, वहां पर मटेरियल पहुंच रहा है, हालेलुया, आपके जैसे जैसे प्रार्थना बढ़ रही मटेरियल वहां पहुंच रहा है, जैसे जैसे उपवास बढ़ रहा है वहां पर मटेरियल पहुंच रहा है, जैसे जैसे आप पवित्रता में बढ़ रहे हैं वहां पर मटेरियल पहुंच रहा है, घर बन रहा है, स्वर्गदूत आनंद से नाचते झूमते हुए काम कर रहे हैं, हालेलुया, आप आत्मा में आत्मिक दर्शन आपके पास है, आत्मा की आंखें आपके पास है, आप अपने घर को बनते हुए देख सकेंगे, हालेलुया, आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं होगी कि मैं स्वर्ग जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, हालेलुया, मगर आपके लिए तैयार है जगह, यदि आपका फोकस वहां पर है, हालेलुया, ओ बहुत सुंदर सी परमेश्वर के दास ने इस बात को बताया, हालेलुया, महिमा कमे हल तैयार हो रहा है, महिमा की दुल्हन को लेने आ रहा है, महिमा की दुल्हन को लेने आ रहा है, रहेगा मेरा अब दी वो डेरा, वो हमेशा का घर रहने वाला आपका, मेरा हमेशा का घर रहने वाला है, हालेलुया, उससे कोई खाली नहीं करवाएगा हमसे, कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, कोई वहां पे और कोई आपको हैंडपंप नहीं लगाना पड़ेगा,
वहां पे राशन की चिंता नहीं होगी, वहां पर आपको बिजली बिल भरने की चिंता नहीं होगी, बच्चों की पढ़ाई की चिंता नहीं होगी। ओ परमेश्वर सारे आंसू पोंछ डालेगा आपके, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन के दुखों का अंत कर डालेगा, हालेलुया। वो शैतान के मुंह को तोड़ डालेगा, हालेलुया। महिमा की दुल्हन को लेने आ रहा है, हालेलुया। महिमा की दुल्हन को लेने आ रहा है, रहेगा मेरा अब दी वो डेरा। क्या आनंदित नहीं है, हालेलुया। आपके घर फ्री में मिल रहा, बिना प्रॉपर्टी खरीदे, बस मन फिराना होता है और कुछ नहीं करना होता है, हालेलुया। रहेगा मेरा अब दी वो डेरा, मैं हूं यीशु का, यीशु है मेरा। बोलिए बोलिए, मैं हूं यीशु का, यीशु का, यीशु है मेरा। हालेलुया। प्रभु आपका परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है। वो आपको और उमंग से भरना चाहता है। वो कहता है, वो अपनी कलीसिया से कहता है, खींच के तैयारी कर ले, अब तैयारी कर ले, समय थोड़ा रह गया है। हालेलुया। आनंद से भर जाओ, अपने वस्त्रों को धारण कर लो, पवित्र वस्त्रों को धारण कर लो। हालेलुया। रीबा से खे तेरी लबा रखा अंदर लबा। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए तैयार कर रहा है, वो सड़क तैयार कर रहे हैं जिसमें आपको प्रवेश करना, वो दरवाजा तैयार कर दिया जिसमें से आपको जाना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आपके रास्ते के पत्थरों को हटा दिया, आपके रास्ते की समस्याओं को हटा दिया, आपके लिए क्लीन क्लीन कर दिया है। आपको उस रास्ते में चलते हुए दिक्कत नहीं होगी, आपकी जरूरतें स्वर्ग के भंडार से पूरी होगी। जैसे इजरायली के ऊपर मन्ना गिरता था, आप उस रोटी को खाओगे, आप उस रोटी को खाओगे, जल को पियोगे जो यीशु मसीह के अंदर से निकलता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मित्र कहलाओगे, बेटे कहलाओगे, प्रभु की महिमा कहलाएगी, और सारी बातें जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो सब कुछ आपको मिलने जा रही है। हालेलुया। शेयरिंग करिएगा, शेयरिंग करिए, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर लेने आ रहा है और आपका अवधि डेरा तैयार हो चुका है। यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि मैं पिता के पास जाता हूं, उसे उसे थोमा बात करता है कि प्रभु मैं नहीं जानता, मगर परमेश्वर कहता तुम जानते हो, आप लोगों को पता है हमें कहां जाना, आप लोगों को पता है कि आपका छुटकारा हो चुका, आप लोगों को पता है आपका उद्धार हो चुका, आप लोगों को पता है कि करुणा फैल चुकी है आपके ऊपर, आप लोगों को पता है परमेश्वर ने आपको अनोन्टिंग से भर दिया है, आप लोगों को पता है जिन लोग वचन सुन रहे हैं, वचन सुन सुन कर मान रहे हैं, उन्हें पता है कि मेरा 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 जो निर्माण हो रहा है, मैं गांठ गांठ को गूते गूते को परमेश्वर मुझे आर पार छेद करके, अपने वचन से छेद करके, पवित्र आत्मा से भर करके वहां पर मेरे लिए जगह को तैयार कर रहा है। हालेलुया। मेरा ये आत्मा का घर बनने जा रहा है। हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। और एक वचन को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद मैं बहुत थोड़ा सा वचन दूंगा, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपकी सारी प्रार्थनाओं के लिए परमेश्वर उत्तर देने जा रहा है। हालेलुया। एक मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय। और आज आपको ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि मैं 2 महीने से विश्वास कर रहा हूँ, मैं तो 10 साल से विश्वास कर रहा हूँ, वो पहले जाएंगे या मैं पहले जाऊंगा या बाद में जाऊंगा, मैं लेट हो जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर का एक वचन मैं आपको समझाना चाहता हूँ बहुत ही थोड़े से समय में। जल्दी से मत्ती रचित सुसमाचार निकालेंगे, अपनी बाइबल को ले लेंगे, 20वां अध्याय। हालेलुया। और उसके पहले पद से मैं पढ़ना चाहूंगा, आप ध्यान से सुने सारे लोग जिनके पास बाइबिल है वो रिपीट कर सकते हैं मेरे साथ में। स्वर्ग का राज किसी गृहस्थी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों में से 1 दिनार रोज ठहरा, मजदूरों के साथ 1 दिनार की रोज मजदूरी ठहराई और उन्हें दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को भी जो बाजार में बेकार खड़े थे उनको भी, और उनसे कहा तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अतः वे भी गए, उन्होंने कोई बार्गेनिंग नहीं की। हालेलुया। फिर उसने तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया और 1 घंटा दिन रहे तो उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा तुम यहां क्यों खड़े हो। हालेलुया। तुम क्यों वहां दिन भर बेकार खड़े रहे। उन्होंने कहा इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने कहा तुम भी दाख की बारी में जाओ। हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए जिन्हें सुसमाचार नहीं सुनाया, अंतिम समय में विश्वास कर लिया, 1 महीने पहले विश्वास कर लिया, कल विश्वास किया था वचन सुन के,
पहले से 10 साल वाले भी काम कर रहे हैं, 10 साल वाले भी उद्धार पा चुके, मगर एक समय अभी ऐसा आया कि अभी भी जो विश्वास कर लेंगे वो भी उन्हीं के साथ गिने जाएंगे। वचन क्या कहता है, सांझ को दाक इबारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक मजदूरी दे दो। ये भेद की बात है, इसे समझना पड़ेगा। जब आप इसे समझ जाएंगे आप उछल जाएंगे, हालेलुया। जब आप इसे समझेंगे आप नाचेंगे, डांस करेंगे, भांगड़ा पाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। क्यों करेंगे? मौका ही ऐसा है। क्यों करेंगे? आनंद की बात है ये। क्यों करेंगे हम ऐसा? क्योंकि परमेश्वर ऐसे अभिषेक, ऐसा अनुंटिंग, ऐसा फल आपको देने जा रहा है कि आपको नाचने का मन करे, आप नाचे बिना रह नहीं सकते। हालेलुया। क्यों करेंगे? क्योंकि उसका जो विचार था, लोगों का विचार था जो सुबह लगे हुए थे कि हमें तो पूरी मजदूरी मिलेगी, मगर जो बाद में है उन्हें आधी मिलेगी, जो उसके बाद है उन्हें तो थोड़ी मिलेगी, जो सबसे बाद में है उन्हें तो चवन्नी मिलेगी। हालेलुया। मगर ऐसा नहीं था। खुदा ने, परमेश्वर का इतना रहम दिल है, वो दया से प्रसन्न होता है, वो उदारता से प्रसन्न होता है, वो दयालुता से प्रसन्न होता है। परमेश्वर वचन क्या कह रहा है, इस बात को गजब की बात है, इसे ले लीजिए अपने अंदर। हालेलुया। बात विश्वास की है, जिन्होंने विश्वास किया और बपतिस्मा ले लिया, जिन्होंने प्रभु की बात को मान लिया और उसके खेत में लग गए, उसके कामों में लग गए, उसकी मजदूरी करने लगे, उसके भवन में लग गए, उसके उसके अपने आप को उसके जोड़ दिया, उसके उसके दर्शन में आ गए, उसके फोकस में आ गए, जो दर्शन उस मालिक का था उसी में शामिल हो गए। हालेलुया। बेकार में नहीं रहे, जिन्होंने देखा हम बेकार खड़े हैं, हमें कोई काम नहीं है, हम तो वेले खड़े हैं, उन्होंने भी उसमें दर्शन में सहभागी किया। और वचन क्या कहता है, उस मालिक की गजब बात यह, उसने कहा कि पिछलों से लेकर पहलों तक मजदूरी दे दो। कारण क्या रहा? पिछलों से क्या, जो बाद में आए थे उन्हें पहले दो। हालेलुया। क्योंकि वो थक गए थे खड़े होके, उनका मन थक गया था, उन्होंने पूरा दिन इंतजार किया था कि हमें कुछ मिलेगा, उन्हें पूरा दिन उन्होंने परिश्रम किया था, पूरे दिन उनकी आंखें टक टक हर एक व्यक्ति पर लगी रही, कोई आएगा हमें काम पे ले जाएगा, कोई तो होगा हमारा हमारी इच्छा पूरी करेगा, कोई तो होगा। आज जो लोग तरस रहे हैं, जो विलाप में हैं, जो आज भी ढूंढ रहे हैं, कोई तो आए हमें बचा दे, कोई तो आए हमें कंफर्ट की बातें सुनाए, कोई तो हमें तसल्ली दे दे, कोई सुकून दे दे, ऐसे लोगों के पास जब वचन पहुंचता है सबसे पहले अनुग्रह उन्हें मिलता है। याद होगा आपको जब प्रभु दासी प्रचार कर रही थी, कुछ केस ऐसे होते हैं जो इमरजेंसी केस होते हैं, परमेश्वर उन्हें पहले लेता है। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें पहले लेता है। हालेलुया। इस बात को ध्यान करिए। इसीलिए क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पिछलों से लेकर के जब हिसाब देना शुरू किया तो यहां क्या होता है देखिए, हम इसे पढ़ेंगे 9वें पद में। जब वे आए जो 1 घंटा दिन भर लगे रहे थे तो उन्हें एक एक दिनार मिला। जो सुबह से थे उन्हें भी एक मिला था, 1 दिनार में ठहराया गया था, मगर जो 1 घंटे में आए थे उन्हें भी 1 दिनार मिला था। और क्या हुआ यहां पर, जब उन्हें 1 दिनार मिला, जो पहले आए थे उन्होंने ये समझा कि हमें और अधिक मिलेगा। वो भूल गए थे उस मालिक की बात को, भूल गए थे उस कहे हुए बात को जो सुबह उन्हें बोला गया था, जो सुबह उन्हें एक फोकस दिया गया था उसे भूल गए थे, जो दर्शन दिया गया था उसे भूल गए थे कि मेरे मालिक ने हमें भी 1 मिनट ठहराया, इन्हें 1 दिया, मगर वो कल्पना कर रहे थे, झूठी कल्पनाओं में फंस गए थे कि हमें कुछ ज्यादा मिलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता, पौलुस प्रेरित इस बात को कहता है कि अब मुझे निश्चय हो गया, पत्रस इस बात को कहता है अब मुझे निश्चय हो गया। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वो हर एक से बराबर प्यार करता है, वो हर एक का बराबर डैडी है, हर एक का परमेश्वर है। हालेलुया। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। तो क्या कहता है, वो कह रहे कि यहां पर क्या कहा, 11 पद में लिखा, 11 पद में जब मिला तो वे गृहस्थी पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि 10वें पद क्यों कहते हैं, जो पहले आए थे उन्होंने समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी जो 1 दिनार ही मिला, जब उन्हें मिला तो गृहस्थी पर कुड़कुड़ाने लगे, इन पिछलों ने तो 1 ही घंटा काम किया है और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर भार उठाया और धूप सही थी। हालेलुया। वो कह रहे हमने तो दिन भर धूप सही थी, हमने मेहनत की थी, मगर हमारे बराबर इन्हें क्यों दिया गया। उसने उनसे कहा, एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता, क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार नहीं ठहराया, क्या तूने अनुग्रह नहीं मांगा, तूने अनुग्रह मांगा, तुझे अनुग्रह मिला, अब मेरी मर्जी है कि मैं दूसरे पर अनुग्रह करूं, अब मेरी मर्जी है मैं दूसरे को भी उतना ही देना चाहता हूं जितना प्यार मैंने तुझसे किया। हालेलुया। तो क्या कह रहे परमेश्वर, क्या कहता है, मैं उतना ही पिछले को भी दूं, ये मेरी मर्जी है, मैं कितना उसे दूंगा, क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल में से
जो चाहूं सो करूं, क्या मेरे भले होने के कारण तो बुरी दृष्टि से देखता है। इसी रीति से जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले हो जाएंगे, मगर परमेश्वर ने आपको पहले होने के लिए ठहरा दिया है। आमीन आमीन, बोलो आमीन, बोलिए हालेलुया। परमेश्वर ने आपको पहले से, बहुत पहले से प्रचार हो रहा है, मगर इस अंतिम युग में ये अंतिम वो पहरा है, अंतिम वो पहर है, जो अंतिम घंटा है, जो अंतिम समय में यीशु मसीह के पास हम आए हैं। ये कौन सा समय है? जो दुनिया के अंत का समय आ गया है, ये पूरे दिन का वो आखिरी पहर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये परम, ये वो अंतिम पहर है जिसमें हमने विश्वास किया। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? हालेलुया। हम भविष्यवाणी सुन रहे हैं ना, भविष्यवाणियां सुन रहे हैं, अंत आने वाला, मन फिराओ। तो क्या हम कौन से पहर में? हम अंतिम वाले पहर में, हम आखिरी पहर में हैं। हम पूरे दिन से काम नहीं किया, हमने पूरे दिन से विश्वास नहीं किया, हम आखिरी में बुलाए गए। संभाल लीजिए अपने आप को, भर लीजिए अपने आप को, अपनी आत्माओं को भर लीजिए। हालेलुया। मैं इससे ज्यादा नहीं, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये, आप इसे पढ़ेंगे खुद ही समझ जाएंगे। बस अभी क्या करना, जब हमें बुला लिया गया उसे एक घंटे में हम ताकत लगा दें अपनी, उसे एक घंटे में अपना जोर लगा दें पूरा, हम अपनी ताकत को लगा दें, एफर्ट को लगा दें, हम पूरा परिश्रम करें कि जो मालिक ने हमें इस योग्य समझा कि हमें बेगारी में नहीं रखा। हम तो खड़े हुए थे, हमारे जीवन में तो कोई बुलाहट नहीं थी, हमारे जीवन में कोई दान नहीं थे, कोई वरदान नहीं थे, हमें कोई पूछता नहीं था, कोई आदर नहीं करता था, मगर इस अंतिम समय में घर के स्वामी ने, जो घर का स्वामी कौन है? यीशु मसीह। घर का स्वामी कौन है? प्रभु ने कहा, पिता ने कहा कि मैंने अपना सारा अधिकार पुत्र को दे दिया, और पुत्र ने भी कहा, यीशु मसीह ने कहा, सारे आकाश और पृथ्वी का अधिकार, मत्ती 28वें अध्याय में लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। अब सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। अब वो कितना किसको बांटेगा? वो यीशु मसीह कहते हैं कि वो आने वाला है, अंतिम समय में हम खड़े हैं। उस गृहस्थी ने हमें भी चुना, आपको चुना है कि इस अंतिम समय में हम उस आखिरी घड़ी को हम पूरे इंतजाम के साथ, पूरे विश्वास के साथ, ना अपना विश्वास खोए, ना अपना फोकस खोए, ना अपनी मेहनत खोए, जो दिया गया उस पर निर्भर होकर के परमेश्वर की ओर बढ़ते रहे, उसकी दाख के बारे में लगे, उसकी दाख के बारे में ऐसा काम करें कि हम ऐसे पौधे लगाएं, हमारी लगी हुई दाख में अच्छे फल आए, अच्छा रस आए, ताकि वो पी करके, वो मालिक पी करके खुश हो जाए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? तो आप अंतिम पहर में हैं, और वो अंतिम पहर अगर जानना चाहते हो, उसकी वेदना क्या होती है, तो उस डाकू से पूछिए। वो डाकू से पूछे जो क्रूस पर लटका हुआ था अंतिम समय में, जब उसके पास कोई सांसें बचने वाली नहीं थी, जब उसके पास एक ही रास्ता, दो रास्ते थे, या तो वो नरक चला जाएगा, या प्रभु से माफी मांग करके, मन बदल करके, वो प्रभु के साथ एक ऐसे सिंहासन पर बैठने वाला था जहां स्वर्ग दूतों का न्याय होगा। वो स्वर्ग दूत, वो पापी था मगर वहां न्यायी बन गया, वो डाकू था मगर वहां ईमानदार बन गया, वफादार बन गया। बस थोड़ी सी प्रक्रिया है, हमें अपने आप की मन की सेटिंग में चेंज लाना है, अपने मन को परिवर्तन करना है, प्रभु की बुलाहट को समझना है, और परमेश्वर के नाम की महिमा करना है। बस यही बात है, और खुदा के उस मकान में जो महल तैयार हो रहा है, आप उसमें जाकर रहेंगे। आमीन। परमेश्वर वचन के द्वारा आपको आशीष दे, अपनी प्रार्थना को भेजना शुरू करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, और परमेश्वर के नाम की महिमा और ज्यादा होगी। और खुशहाली इस बात की है, मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे लिए घर बन रहा है। खुशहाली आपको भी होनी चाहिए, आपके हृदय खुशी से भर जाए कि आपके लिए स्वर्ग में घर बन रहा है। हालेलुया। वहां पर आपको कोई रजिस्ट्री करने की जरूरत नहीं है, वहां पर बस एक ही बात है, आपको पवित्र आत्मा को पाना है, आपको पासपोर्ट लेना है, जो छाप आपके ऊपर लगाई गई है यीशु मसीह के लहू की, जो यीशु मसीह के नाम की, उसे खोना नहीं है, उसे मिटने नहीं देना, उसे यीशु के लहू से रोज रिफ्रेश करना, रोज उसे मांजना है, उस पर धूल नहीं जमानी है, वचन को रोज पढ़ना है, आईना रोज देखना, ये वाला आईना रोज देखना है उठा करके। हालेलुया। आपकी चमक बढ़ती जाएगी। मूसा का नूर बुझता चला गया था, जब वो पर्वत पर था, 40 दिन प्रभु की उपस्थिति में था, उसकी तरफ कोई देख नहीं सका था, और जैसे जैसे वो परमेश्वर से दूर होता चला गया और पहाड़ से नीचे आता चला गया, उसकी रोशनी कम होती चली गई। मगर हम ऐसे नूर के पास नहीं आए, हम तो जगत के नूर के पास आए हैं, हम तो प्रभु के नूर के पास आए हैं। जितना उसके करीब जाएंगे, मूसा की पीठ क्यों नूर कम हो गया था,
मूसा की पीठ जब पर्वत से उतर रहा था, परमेश्वर की ओर पीठ थी, लोगों की तरफ मुंह था, मगर आपकी ऐसा नहीं है, आपका मुंह परमेश्वर की ओर है, संसार की तरफ पीठ है। जब मुंह परमेश्वर की ओर है तो उसका नूर जरूर आपकी ओर चमकेगा, जितना आप उसकी ओर बढ़ते जाएंगे आपका चेहरा उतना चमकता चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शेयरिंग करिए मेरे भाई बहनों, शेयरिंग करने में बिल्कुल कमी नहीं छोड़नी है, हालेलुया, पूरी ताकत लगा देनी, क्योंकि आखिरी घंटा है, ये आखिरी पैर है जिसमें परमेश्वर ने आपको चुना है, जिसमें परमेश्वर ने आपको चुना। आपके दुखों में से क्यों खड़े, विले क्यों खड़े, टेंशन में क्यों है, डिप्रेशन में क्यों है, क्यों बेकार खड़े हो, और आपको पता ला प्रभु हमारे पास कोई नहीं है। हमने कहा प्रभु हमारे पास कोई नहीं है, प्रभु ने कहा चलो मेरे घर चलो, चलो आओ खुदा के घर चलो, आओ मेरे दासों के पास चलो, आओ मेरी कलीसिया में चलो, आओ मेरे घरों में चलो, मैं तुम्हें कंफर्ट दूंगा, अपने बोझ को मुझे दे दो, मेरा क्रूस उठा लो, अपना जुआ मुझे दे दो, मेरा जुआ ले लो, हालेलुया। अब तो आखिरी घंटा है, इस आखिरी घंटे को कीमती समझिए, ये वचन बेकार नहीं है, ये वचन को दोबारा से आपको पढ़ना है, मैं कहना चाहता हूं ये वचन दोबारा से आपको पढ़ना है, ये दोबारा से वचन पढ़ना है, और जब आप इस वचन को पढ़ेंगे आप जान लेंगे कि हम अंत के समय में बैठे, हम अंतिम पहर में बैठे हैं, और कभी भी मालिक हिसाब करने आएगा, और हिसाब किसका होगा, जो आखिरी माए हैं उन्हें पहले हिसाब दिया जाएगा, उन्हें पहले तोड़े दिए जाएंगे, उन्हें पहले मजदूरी दी जाएगी, उनका पहले अनाउंटिंग किया जाएगा, उन्हें पहले से निमंत्रित किया जाएगा, क्योंकि जो बाद में आए वो तो बिल्कुल ही पास खड़े हैं, हालेलुया, बिल्कुल नजदीक खड़े हैं यीशु मसीह के, खुदा के पास हैं, खुदा के नजदीक हैं, हालेलुया। और नजदीक हो जाइए, उसकी सांस से भी करीब हो जाइए, उससे लिपट जाइए मेरे भाई बहनों, उसे चिपटे रहिए, उसे जप्पी पालो यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। कोई भी बात ऐसी ना हो कि आपको अलग कर सके। उसने कहा पिछलों का हिसाब और फिर बाद में पहलों का, पिछलों से लेकर के पहलों का हिसाब कर दो, पहले से जो बाद में है उनसे। देखो इस वचन को मैं फिर से ये बताना चाहता हूं, लिखा है कि यहां पे लिखा है, हालेलुया, हाँ यहां लिखा पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दो। तो प्रभु यीशु मसीह जो पिछले हैं, जो हम हैं, पहले हमें एंटर कराएगा, क्योंकि वचन कहता है जो पिछले जो पहले हैं वो पिछले हो जाएंगे, जो पिछले वो पहले हो जाएंगे, और आपको तो अवसर मिला, हमें तो उछलना चाहिए, क्यों खुश होना चाहिए, क्योंकि हमें हम बाद में पीछे खड़े हुए थे, लाइन में पीछे थे, मगर हमें ऑफर मिला कि हम आगे खड़े हो जाएं। इसमें धक्का मुक्की नहीं, खुदा खुद आगे ले जा रहा है आपको, परमेश्वर खुद आपको आगे ले जा रहा है, हालेलुया। परमेश्वर दास भी आपको नहीं रोक पाएंगे, हालेलुया। आपने देखो मूवी खरीद मूवी देखा हो कभी, और वहां पे खिड़की पर जब लाइन लगती है तो क्या होता है, वहां पर धक्का मुक्की लगती है टिकट खरीदने के लिए, आगे कोई चला जाए तो उसे पीछे भेज देते हैं, मगर यहां ऐसा नहीं होगा, ये खिड़की नहीं है, ये दरवाजा है, ये यीशु मसीह का डोर है, वो कहता है द्वार मैं हूं, ये बहुत बड़ा दरवाजा है, ये खिड़की वाला नहीं है, मगर वहां स्वर्गदूत आपको पीछे से लेंगे और आगे खड़ा कर देंगे, आपका नंबर पहले आ जाएगा और आप पहले एंटर कर जाएंगे और बाकी देखा जाएगा, हालेलुया। आनंदित हो जाइए इस बात से कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इतना प्यार करता है कि जब आप बाद में आए तब भी आपको बराबर हिस्सा मिलने वाला है, तब भी आपको बड़ा ही घर मिलने वाला है, आपको छोटा घर नहीं मिलेगा, मगर आत्मा में बढ़ती रहिए, हालेलुया। और बस साखातार लव, हालेलुया, आत्मा में भर जाइए मेरे भाई बहनों, आनंदित हो जाइए, उछलियो, हालेलुया। अपने हाथों को उठा के प्रभु की महिमा करो, भलाई और करुणा तेरी जीवन भर मुझ पे बनी रहेगी, हालेलुया। मैं सर्वदा प्रभु के घर में वास करूंगा, अंगीकार करिए मैं जाने वाला हूं प्रभु के पास, हालेलुया। परमेश्वर आने वाला है, फ्लाइट आने वाली है, मैं उस फ्लाइट में उड़ के जाऊंगा, हालेलुया। मेरे आनंद आ जाएगा, मेरे दुख बदल जाएंगे, मेरा क्लेश खत्म हो जाएगा, मेरा कर्ज खत्म हो जाएगा, मेरी पीड़ा खत्म हो जाएगी, मेरी स्किन प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सारे रोग खत्म हो जाएंगे, सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी, मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं प्रभु को देखूंगा, प्रभु मुझे देखेगा, मैं उसका पुत्र हूंगा और वो मेरा पिता होगा, मैं उसके संग चलूंगा, वो मेरे संग चलेगा, और कितना आनंद की बात होगी, फिर कोई विरोध नहीं होगा, फिर कोई मेरे बीच में ऐसा कोई दरार नहीं होगी कि मुझे परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग कर सके, हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उछलिए 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 अपनी जगह पर, उछलिए अपनी जगह पर, क्योंकि आप पीछे आए हैं, परमेश्वर आपको मौका दे रहा है आगे करने का, परमेश्वर आपको मौके दे रहे हैं आगे जाने का, मगर ये अंतिम समय में आपको मेहनत पूरा करना होगा। अंतिम समय में जब आपको दाख की बारी में लगाया, उस समय में आपको ईमानदारी से काम करना, वफादारी से काम करना है, वो एक घंटा जो बचा लास्ट का, उसमें आपको क्या करना है, पूरी ताकत को लगा देना है, पूरा बल लगा देना है कि मालिक आपसे खुश हो जाए, खुद आपसे खुश हो जाए,
दाख की बारी का मालिक खुश हो जाए, स्वर्ग का राजा खुश हो जाए, परमेश्वर यहोवा खुश हो जाए, पवित्र आत्मा खुश हो जाए, बेशक लोग खुश ना हो मगर प्रभु खुश हो जाए, बेशक पापा खुश ना हो मगर बड़ा पापा खुश हो जाए, बेशक मम्मी खुश ना हो मगर पवित्र आत्मा खुश हो जाए, बेशक पड़ोसी खुश ना हो मगर मेरा पड़ोसी जो मसीह मुझसे खुश होना चाहिए। हालेलुया, आनंद से भर जाइए, प्रभु का आनंद आपकी ताकत है और वो ताकत आपको ऊपर और ऊपर और ऊपर बढ़ाती चाहेगी। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, हालेलुया। मगर एक बात है, आप पवित्र आत्मा मांगना शुरू करें। जिन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला, पवित्र आत्मा मांगिए, वो जरूरत है आपकी, वो जरूरत है, वो आपको रास्ते दिखाएगा, आपको उलझन से बचाएगा, आपको पवित्र आत्मा वो आपके लिए आए भर भर के प्रार्थना करेगा, वो प्रभु के सामने आपकी फाइलों को ऊपर करेगा, वो आपके केसों को एमरजेंसी केस बनाएगा ताकि परमेश्वर की निगाहें उस पर बने। हालेलुया, इसलिए पवित्र आत्मा घुटनों पे आ जाइए, मैं चाहूंगा घुटनों पे आ जाइए, मैं चाहता हूं घुटने पे आ जाइए, मैं भी आपके साथ घुटने पे बैठने वाला हूं आज। हालेलुया, मैं भी घुटने पे बैठने वाला हूं, मैं चाहता हूं आप घुटने पे आ जाइए। हालेलुया, घुटनों पे आ जाए, घुटनों पे आ जाए, घुटनों पे आ जाए। जब जब हमारे घुटने टिकते हैं तब तब हम बलवंत होते हैं, जब जब हम बलवंत होते हैं शैतान घुटनों पे क्या पैरों से नीचे आ जाता है, वो तोड़ा जाता है। हालेलुया, उसके बंधन तोड़े जाते हैं, हमारे जीवन में सफल नहीं हो सकता। अपने घुटनों पे आ जाइए, हालेलुया, मेरे साथ एक मन हो जाइए, मैं आपके लिए आत्मा से अभिषेक के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं कि खुदा की निश्चित आपके जिंदगी में आ जाए। हालेलुया, रिबा सखाती लबा, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद, खुदावंद खुदा, हालेलुया, और खानदार जिखे तेरे लिए भी हालेलुया। प्रभु मैं हाथ उठा के कहता हूं खुदा, मूसा की तरह परमेश्वर इनका याजक होने के नाते प्रभु, इनका इनका सेवक होने के नाते प्रभु जी, एक एक इस ऑनलाइन कलीसिया का पासवान होने के नाते पिता परमेश्वर, एक परमेश्वर पिता मैं दुआ करता हूं अपने हाथ उठा के प्रभु, मेरी टीम को जय दे, हालेलुया, मेरे लोगों को जयवंत बना पिता परमेश्वर, मेरे लोगों को हारने मत दे परमेश्वर पिता, इनका जीवन और भरपूरी में आ जाए पिता, ओ लॉर्ड हालेलुया। हम अपने हाथों को उठा के कहते प्रभु, अपना बल उडेल दीजिए, अपनी सामर्थ को उडेल दीजिए पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा को उडेल दीजिए, अपने अभिषेक को उडेल दीजिए, ये आनंद से भर जाए, इनके आंसू पोंछ दिए जाए, इनके जीवन में परमेश्वर पिता निकम्मी जितनी बातें जो माड़ी बातें हैं पिता परमेश्वर वो सब धो दी जाए, सब दूर हो जाए, सारे विलाप खत्म हो जाए, सारे टेंशन खत्म हो जाए, सारे गंदे व्यभिचार खत्म हो जाए, सारे डिप्रेशन खत्म हो जाए, सारे रास्ते जो बंद है वो खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी 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 और सामर्थी नाम में। मैं दुआ करता हूं अपने हाथों को उठा के प्रभु, जैसे मूसा ने दुआएं की और परमेश्वर तो अभिषिक्त लोग जो जो यहोशू जैसे महान योद्धा परमेश्वर हार रहे थे वो जयवंत होने लग गए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं दास होने के नाते जो लोग आज फेल हो रहे हैं वो जयवंत होने शुरू हो जाए प्रभु, मैं अपनी दुआओं का फेवर इन्हें देता हूं। हालेलुया, प्रभु आपका फेवर मैं इनके लिए मांगता हूं खुदा, मांगता हूं इनके लिए आपका फेवर, मैं मांगता हूं आपका फेवर इनके लिए, मैं अपनी दुआओं का फेवर ही नहीं देता हूं पिता परमेश्वर, मैं अपनी दुआओं का हिस्सा ही नहीं देता हूं खुदावंद यीशु मसीह, मैं इन्हें ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो अभिषेक मेरे अंदर दिया प्रभु वो इनके अंदर ट्रांसफर होने पाए हालेलुया, जो अभिषेक मुझे दिया गया प्रभु वो अभिषेक इन्हें मिलने पाए हालेलुया। एलिशा का अभिषेक, एलिया का अभिषेक, दुगना अभिषेक उसके चेले को मिला, जितने इनमें अच्छे चेले हैं, जितने इनमें अच्छे व्यक्ति हैं, जो अपने आप को परिश्रम में बढ़ा रहे प्रभु, एक घंटे में परिश्रमी बना रहे, आज्ञाकारी तमी ईमानदारी में प्रभु जी, उनका अभिषेक दुगना हो जाए यीशु मसीह के नाम से, डबल पोर्शन में आशीष सारी बात शेखे तेरे रिबे, ओ लॉर्ड हालेलुया। प्रभु हर एक युद्ध, ओ महाक्लेश वाला युद्ध, ओ डेवल वाला युद्ध पिता परमेश्वर, वो युद्ध जो मलयुद्ध है खुदावंद यीशु मसीह, जो आकाश की सेनाओं के साथ इनका लगा हुआ है पिता परमेश्वर, वो यीशु के नाम में इसी घड़ी जीतने पाए हालेलुया, जीतने पाए हालेलुया। मैं अपने घुटनों पे आके, घुटनों पे बैठ करके प्रभु मैं प्रार्थना मांगता हूं प्रभु यीशु के नाम में, जो एक मन है इस समय खुदा वो जीत जाए यीशु के नाम में, जयवंत हो जाए, हर बात पर जयवंत हो जाए प्रभु। आपने कहा मैंने संसार को जीत लिया प्रभु, मेरे भाई भी संसार जीत सके प्रभु, मेरे भाई भी जीत सके पिता परमेश्वर। और जैसे जैसे यहोशू और परमेश्वर जीत पाए पिता, मूसा ने उनके लिए हाथ उठाए, मैं भी इनके लिए अपने दोनों हाथों को उठा करके मैं प्रार्थना करता हूं आज के यहोशू यही है पिता परमेश्वर, ये जीतने पाए, हर एक बाधा को पार करने पाए, तेरी महिमा इनके जिंदगी में हो सके यीशु मसीह के सामर्थी 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 नाम में। इस प्रार्थना विनती को हम मांग लेते हैं, आमीन 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 आमीन। होली स्पिरिट आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है,
आपको डरना नहीं है, आपको अड़ना है आगे आके, अड़े रहो और खड़े रहो, यीशु मसीह में अड़ जाओ, खड़े हो जाओ। याकूब क्या कर रहा है, याकूब क्या कर रहा है, स्वर्गदूत उसके पास आया और उसने उसको पकड़ लिया और छोड़ा नहीं है। क्यों नहीं छोड़ा, वो कहता है जब तक मुझे ब्लेसिंग नहीं मिलेगी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं तुझे छोड़ने वाला, पूरी ताकत लगाई, क्योंकि उसकी याकूब की धार्मिकता, उसकी याकूब का हटीलापन, उसका आत्मा में और रुझान, उसका प्यार परमेश्वर के प्रति, उस स्वर्गदूत को जाने नहीं दिया। जब तक ब्लेसिंग नहीं मिली उसे देना पड़ा, ओ छीन लो उन चीजों को, उन ब्लेसिंगों को ले लो, हालेलुया, प्रभु की महिमा आपकी जिंदगी में, हालेलुया, प्रभु ने आपको जयवंत होने के लिए बनाया, आपको चुने आशीषित होने के लिए। भजन संहिता 23 आपके जीवन में भरपूरी के साथ उतरे, वहां पर लिखा यह हुआ मेरा चरवाहा वो आपका चरवाहा बन जाए, आप उसकी भेड़ बन जाए, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता, वो आपको हरी हरी चराइयों में चराए, वो मुझे सुखदायी जल के जीवन के झरने के पास ले जाता है, वो आपको सुखदायी जल के जीवन के झरने में से पिलाए, वो कहता मुझे शत्रु के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, आपके शत्रु लज्जित होने पाए, परमेश्वर की मेज आपके शत्रुओं के सामने लग जाए और उस पर बैठ के आप खाएं, हालेलुया। वो कहता करुणा भलाई मेरे साथ रहेगी, आपके साथ उसकी करुणा रहे, आपके साथ उसकी भलाई रहे, हालेलुया। वो कहता है कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है, हालेलुया। वो तेल, वो अभिषेक, वो अनॉइंटिंग, वो ऑयल जो हारून के सिर पे उड़े लगा, जो दाऊद के सिर पे उड़े लगा, जो 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 साउल के सिर पे उड़े लगा था, वो आपके सिर पे उड़े लग जाए और आप भरपूर हो जाए। आपके जीवन की जो खुशकी है, आपके जीवन का जो सूखापन है, आपके सिर का जो सूखापन है, वो खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जिंदगी में आए। मैं इस समय मूसा की तरह आपके लिए हाथ उठा के घुटनों पे आके आपके लिए मैं दुआ मांगता हूं, खुदा, ए खुदा, ए यहोवारी इंतजामी परमेश्वर, प्रभु सालोन और तसल्ली देने वाले प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इंतजाम करिए, हालेलुया, इन्हें जीवन करिए, इन्हें बल दीजिए, भरपूर जीवन दीजिए प्रभु, परमेश्वर पिता तेरी महिमा इनके जीवन में और बढ़ती चली जाए प्रभु, ये और आजाद होते रहे प्रभु, इनकी चिंताएं जो फाइनेंस की है वो चली जाए यीशु मसीह के नाम में, इनकी चिंताएं जो बीमारी की है वो बीमारी चली जाए यीशु मसीह के नाम में, इनकी चिंताएं जो घर के बच्चों के बढ़ने की है वो बच्चों की चिंताएं चली जाए यीशु मसीह के नाम में, इनका परिवार की जो परमेश्वर जीविका की चिंताएं हैं वो जीविका इनकी बढ़ोतरी में आए पिता परमेश्वर, वो चिंताएं वो डिप्रेशन यीशु नासरी के नाम से गो राइट नाउ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। मैं कमांड करता हूं सारे दुष्ट आत्मा को, वो दूर हो जाए और प्रभु ये परमेश्वर तेरे धाम में वास करे, हालेलुया, महिमा का महल आपके लिए तैयार हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन आमीन। आनंद से भर जाइए, वो महिमा का महल आपके लिए तैयार हो रहा है। मगर ये ध्यान रखिए, परमेश्वर ने आपको अंतिम पहर में बुलाया है, अंतिम पहर में बुलाया है। क्या आप उसके उस जगह पर जहां वो बुला रहा है, क्या आप उसमें शामिल होना चाहते हैं? क्या आप उसे एक घंटे को कीमती जानना चाहते हैं? प्रभु का वचन कहता है उसकी डेवडी पर का एक दिन है, डेवडी, हालेलुया, चौखट, उसका दरवाजा जो बाहर है, फाटक है, उसके फाटक का एक दिन। परमेश्वर ने आपको फाटक में नहीं बुलाया अभी, उसने अपनी दाख की बारी के अंदर बुलाया है, आपकी दाख की बारी के अंदर बुलाया, फाटकों में से प्रवेश करके अंदर चलो, अंदर काम करो, उसने बाहर नहीं रखा। बाहर वो रहेंगे जिनकी मसाले खत्म हो गई हैं, जिनकी कुप्पियों का तेल खत्म हो गया। मेरे प्रियो, भरते रहिए, आनंद से भरते, रोज अभिषेक का तेल पाना है, रोज अभिषेक को पाना है। प्रभु का वचन यहां पर कहता है कि उसने दाख की बारी के स्वामी ने अपने उन लोगों को जिन्हें बुलाया था, उन्हें पिछलों से लेकर पहलों तक का इंतजाम किया। और मैं कहना चाहता हूं, हम पिछले हैं और परमेश्वर ने आपसे मुझसे वादा किया, जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे। आमेन आमीन। क्या आप शेयरिंग मिल सकता है, एक शेयरिंग हो सकता है, शेयरिंग करिएगा, जरूर शेयरिंग करना है, जरूर करना। मेरे भाई जो पीछे रह गए वो आगे आ जाए, जो आत्मा में कमजोर हो गए वो और मजबूत हो जाए, जिन्हें इस विजन का नहीं पता उन्हें विजन मिलने पाए, जिन्हें इस दर्शन का नहीं पता उन्हें ये दर्शन मिलने पाए, जिनको जो अज्ञात है इस बातों से, जो अनभिज्ञ है परमेश्वर के इस भेदों से, जो गहरी बातों से अनभिज्ञ है, मैं कहना चाहता हूं उन्हें साथ में ले लें। आप सही चल पा रहे, बहुत वेल एंड गुड, मगर वो कहता लंगड़ा भटक ना जाए उसके हाथ को पकड़ लो। लंगड़ापन, जो लंगड़ापन आ गया लोगों में, जो लोग कभी चल देते कभी नहीं, उनकी जिम्मेदारी मुझ पर आप पर है कि हम उन्हें लेके चल सके, और वो मेरे भाई हो सकते हैं, मेरे बहन हो सकते, पड़ोसी हो सकते, कोई भी हो सकते हैं, हम उन्हें प्रभु के राज्य में, प्रभु के सामने लेके जाना है और खुदा को उनका अनुग्रह दिलवाना है।
हालेलुया, खुदा का अनुग्रह जो उनके ऊपर है वो दिलवाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे भरा। मैं शुक्र करता हूँ खुदा ने आप जैसे लोग मुझे दिए हैं, हालेलुया, आप जैसे लोग इस ऑनलाइन कलीसिया में दिए। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। हमें क्या करना है, एक परमेश्वर का मंदिर बनते जाना है, खुदा की बारी बनते जाना है। खुदावंद आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की। कल सुबह 7:30 बजे फिर से लाइव होगा, कल सुबह 7:30 बजे फिर से लाइव होगा। अपने ये हृदय के बूहे जो है ना उन्हें खोल के रखना है, जो दरवाजे उनको खोल के रखना, फाटकों को खोल के रखना, क्योंकि वो राजाओं का राजा सहनसा वो आ रहा है आपके पास। कल वो आ रहा है आपके पास, अभी भी है वो आ रहा है आपके पास। आपको अपने दरवाजों को ऊंचा करना, फाटकों को ऊंचा करना, अपने हृदय को ऊंचा करना है, खोल के रखना। प्रभु मैं तैयार हूं, प्रभु जो भी मुझे मिलेगा मैं उसमें आशीषित हूं, जो मुझे तू बताएगा मैं उसमें आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। और प्रार्थना भवन की लाइनें सुबह 8 से लेकर शाम के 8 बजे तक खुली हैं। आप कॉल कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे लाइव रहता है। खुदावंद आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।